जय गुरुदेव फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल कानूज क्राफ्ट में स्वागत है। आज हम इस तरह से मल्टी कलर से बड़ा प्यारा सा डिजाइन बनाएंगे। ये डिजाइन हमारे लेडीज कार्डिगन और बेबी स्वेटर के लिए, जिसमें आप मल्टी कलर यूज कर सकते हैं। मैंने इसमें तीन कलर यूज किए हैं, वाइट कलर, ग्रीन और रानी कलर। ये डिजाइन हमारी 6 सिलाइयों का है, जिसमें 3 सिलाइयाँ डिजाइन की, 3 सिलाइयाँ हमारी बेसिक रहती है, और इसके अंदर 6 के मल्टीपल में फंदे डालते हैं और 2 फंदे एक्स्ट्रा डालते हैं। सबसे पहले अपने बेस कलर से हम इसके अंदर 6 के मल्टीपल में फंदे डालते हैं। इससे मैंने इसके अंदर 14 फंदे डाल लिए, 6 के मल्टीपल में 12 फंदे और 2 फंदे एक्स्ट्रा। पहली रो में सभी फंदों को मैं उल्टा बनाती हूँ। इससे मैंने सभी फंदों को उल्टा बना के अपनी रो को कंप्लीट कर लिया है। अब इसके अंदर मैं 2 सिलाइयाँ बॉर्डर की निकाल लूँगी। तो पहला फंदा मैं सीधा बनाती हूँ, फिर उल्टा, जिस तरह से मैं नॉर्मल बॉर्डर बनाते हैं उस तरह से इसमें 2 सिलाइयाँ बॉर्डर की कंप्लीट करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह बनाते हैं, इसमें मैंने बॉर्डर की 2 सिलाइयाँ कंप्लीट कर ली हैं। अब इसमें अपने डिजाइन की हम 2 बेसिक रो निकालेंगे। पहला फंदा स्लिप करती हूँ और सभी फंदों को मैं सीधा बनाऊँगी। तो हमारे डिजाइन की फर्स्ट रो है, जिसमें हम सभी फंदों को सीधा बनाते हैं। अब अपने डिजाइन के हम सेकंड रो में आ गए, जो हमारी रॉन्ग साइड से, इसमें सभी फंदों को हम उल्टा बनाएंगे। ये हमारे डिजाइन की 2 बेसिक रो है। अब अपने डिजाइन के हम थर्ड रो बनाएंगे, जो हमारे डिजाइन की रो होगी। तो इसमें पहला फंदा स्लिप करती हूँ, आगे के 2 फंदे में सीधे बनाती हूँ, फिर अपने सेकंड कलर को मैंने ज्वाइन कर लिया है। 2 फंदों के बाद हमारा सेकंड कलर यूज़ होता है। तो शुरू के 2 फंदे तो मैंने वाइट कलर से बना लिए। अब अपने सेकंड कलर से हम तीसरा फंदा बनाएंगे। तो इसमें पहले एक बार बनाते हैं, फिर ऊन को आगे करके इसी फंदे में से एक फंदा और बनाते हैं। तो हमें 1 के 3 फंदे कर लिए। इसी तरह अगले फंदे में बनाएंगे, पहले एक बार बनाया, फिर अपनी ऊन को अपनी तरफ करके एक बार और बनाते हैं। तो हमारे 1 के 3 फंदे हो जाते हैं, और इन फंदों को थोड़ा लूज लूज ही बनाना है हमको। फिर आगे हम 2 फंदे सीधे बनाते हैं। इस तरह हमारा ये 6 फंदों का पैटर्न है। अब इन्हीं 6 फंदों को रिपीट करते हुए हमारा डिजाइन बनता है। तो आगे के 2 फंदे हम सीधे बनाते हैं, तो बीच में इस तरह हमारे 4 फंदे सीधे आ जाते हैं। फिर आगे के 2 फंदों के अंदर अपने दूसरे कलर से एक फंदा बनाया, फिर अपनी उनको अपनी तरफ करके एक फंदा और बनाया। तो इस तरह हमारे 1 के 3 हो गए। इसी तरह अगले फंदे को बनाएंगे, पहले एक बार बनाया, फिर उनको अपनी तरफ करके इसी फंदे को दोबारा बनाते हैं। इस तरह हमारे ये 2 फंदे बना लिए। अब आगे के 2 फंदे हम वाइट कलर की ऊन से बनाते हैं। लास्ट वाला फंदा भी हम वाइट कलर की ऊन से बना लेते हैं। अब हम रॉन्ग साइड में आ गए, पहला फंदा स्लिप करते हैं, आगे के 2 फंदे हम उल्टे बनाते हैं। अब जो हमने रानी कलर से जो फंदे बनाए थे, इन सभी फंदों को हम स्लिप कर लेंगे। फिर बीच के 4 फंदे हम सीधे बनाएंगे, सॉरी उल्टे बनाएंगे। फिर इन फंदों को स्लिप कर लेंगे, फिर आगे के 3 फंदों को हम उल्टा बना लेंगे। इस तरह हमारे डिजाइन की 4th रो कंप्लीट होती है। और अपनी रानी कलर की उनको हम यहीं कट कर देंगे। अब अपने डिजाइन के हम 5th रो में आ गए, पहला फंदा स्लिप करते हैं, एक फंदा हम वाइट कलर की उन से सीधा बनाते हैं। अब इस दूसरे वाले फंदे को हम इन दोनों फंदों के बीच में लेके जाएंगे। तो इस तरह एक तरफ के 3 फंदों को अपनी सिलाई में लेती हूँ और इन फंदों को छोड़ दूँगी। पीछे से वाइट कलर के फंदे को अपनी दूसरी सिलाई में ले लेते हैं, फिर इन 3 फंदों को अपनी सिलाई। इस तरह से इन 3 फंदों को एक बना देते हैं, तो हमारी एक पत्ती की बन जाती है। फिर बीच वाले फंदे को वाइट बना लेते हैं, फिर इस वाले इन 3 फंदों के पीछे से वाइट वाले फंदे को हम अपनी दूसरी सिलाई में लेते हैं। इन फंदों को छोड़ देते हैं और अपनी इस वाली सिलाई में, अब इस फंदे को हम सीधा बना लेते हैं। तो हमारे बीच में 2 फंदे सीधे आ गए। अब इस फंदे को इस तरह से ना बना के इस तरह से बैक लूप से 3 का एक करते हैं, तो इस तरह से हमारी ये 2 पत्तियाँ बन जाती हैं। फिर बीच में एक 2 फंदे हम सीधे बनाते हैं, फिर इस वाले फंदे को इन 2 फंदों के बीच में लेके जाएंगे। इस तरह से 3 फंदों को लेंगे
व्हाइट फंदे को बीच में लेके जाएंगे, वापस इन तीनों फंदों को अपनी सिलाई में रहते हैं, फिर इन्हें तीन का एक कर देते हैं, फिर बीच में से अपने व्हाइट फंदे को सीधा बना लेते हैं, फिर इन तीन फंदों के इधर से एक व्हाइट फंदा हम इधर लाएंगे, इसे भी हम बीच में सीधा बना लेते हैं, फिर सॉरी इन फंदों को पीछे से हमें सीधा बनाना है। इस तरह से हमारी पत्ती की शेप आ जाती है। लास्ट के दोनों फंदों को हम सीधा बना लेते हैं। इस तरह से हमारे डिजाइन की फिफ्थ रो कंप्लीट होती है। अपने डिजाइन के सिक्स रो में आ गए, पहला फंदा स्लिप करती हूँ, आगे के सभी फंदों को उल्टा बनाएंगे और इन्हीं छः सिलाइयों को रिपीट करते हुए हमारा डिजाइन बनता है। आप इस डिजाइन को कितने भी कलर में बना सकते हैं, बेस कलर हमारा एक ही रहेगा। उसके बाद हम जिनसे ये पत्ती बनाएंगे वो आप कितने भी कलर से बना सकते हैं। तो इन्हीं छः सिलाइयों को रिपीट करते हुए हमारा डिजाइन बनता है। तो मैं आपको ग्रीन कलर से और बताती हूँ। तो इसकी मैं दो बेस रो निकाल के कंप्लीट करती हूँ, सीधी तरफ से सीधी, उल्टी तरफ से सभी फंदों को उल्टा बनाएंगे। अब मैंने अपना सेकंड कलर भी ज्वाइन कर लिया है। अब पहले शुरू के पहला फंदा स्लिप करती हूँ, फिर दो फंदों को मैं सीधा बनाती हूँ, फिर अपनी ग्रीन कलर की उनको हम पास में ले आएंगे और अगले फंदे में हम अपनी पत्ती बनाएंगे। तो अगले फंदे में एक फंदा बनाया, फिर उनको अपनी तरफ करते हैं, इसी फंदे में से एक फंदा बना, तो हमने एक के तीन कर लिए, इस फंदे को छोड़ देंगे। इसी तरह से पहले एक फंदा बनाया, फिर उनको अपनी तरफ करेंगे, फिर दूसरा फंदा बनाया, तो एक के तीन हो गए। इसी तरह से हमारी ये रो कंप्लीट होती है। बीच में हमारे चार फंदे बनेंगे, फिर इन दो फंदों में अपने डिजाइन बना लेते हैं। लास्ट के तीनों फंदों को वाइट कलर की ऊन से सीधा बना लेते हैं। अब अपनी उल्टी सिलाई में आ गए। उल्टी सिलाई में मैं सभी फंदों को उल्टा बनाऊंगी। पहला फंदा स्लिप किया, वाइट कलर के फंदों को मैं उल्टा बनाती हूँ और ग्रीन कलर के फंदों को हम स्लिप कर लेंगे। इस तरह से छः के छः फंदे हम स्लिप कर लेंगे, फिर बीच के चार फंदों को हम उल्टा बना लेंगे। इससे हमारे डिजाइन की फोर्थ रो कंप्लीट हो गई। अब फिफ्थ रो में अपना डिजाइन बनाएंगे। पहला फंदा स्लिप किया, एक फंदा सीधा बना। अब इस वाइट फंदे को इन दोनों फंदों के बीच में ले जाएंगे हम, फिर इन तीनों फंदों को वापस अपनी सिलाई में लेंगे और इन्हें इस तरह से तीन का एक करते हैं, फिर बीच वाले व्हाइट फंदे को बना लेंगे, फिर इन तीन फंदों के इधर वाले व्हाइट फंदे को इस तरह से अपनी सिलाई में लेंगे, इसे भी सीधा बना लें, फिर इन तीन फंदों को बैक लूप से हम इन्हें तीन का एक करते हैं। फिर बीच के दो फंदों को सीधा बनाएंगे और इसी तरह से अपनी इन पत्तियों को बना लेंगे हम। लास्ट के दो फंदों को हम सीधा बना लें। अब उल्टी सिलाई में सभी फंदों को हम उल्टा बना लेंगे। इस तरह से हमारा डिजाइन बनता है। इन्हीं छह सिलाइयों को रिपीट करते हुए हमारा ये डिजाइन बनता है। रानी कलर से बनाए, फिर ग्रीन कलर से, फिर रानी कलर से और फिर वापस से हम ग्रीन कलर से बनाएंगे। इसी तरह से ये डिजाइन बनता है। अगर आपको मेरी डिजाइन अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर